नमस्कार, मैं शेफ महेश शर्मा, स्वागत है एक बार फिर स्पाइस बॉक्स में। आज की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ वो है मीठे चावल यानी जर्दा। जर्दा बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, बासमती चावल, कोकोनट क्रीम, देसी घी, काजू, छोटी इलायची, किशमिश, बादाम, चीनी, लौंग, तेज पत्ता, केसर। सबसे पहले लेंगे हम देसी घी, 5 चम्मच मैंने छोटे वाले लिए हैं। डालेंगे इसमें थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा तेज पत्ता, इलायची जो है उसके दाने। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल जो है मैंने करीब 15 मिनट भिगो के रखे हैं, बासमती राइस। थोड़ा सा इसे घी में भूनेंगे। साथ में डालूंगा मैं इसमें केसर और ऐड करूंगा वाटर। गार्निश के लिए काजू और बादाम, काजू के जो हैं 1 के 2 स्प्लिट कर लेंगे हम लोग। और अब हम डाल देंगे काजू और डालेंगे किशमिश। बादाम जो है बाज़ार में इसकी कतरन भी आती है, लेकिन आप चाहें तो इसकी हल्की हल्की ऐसे स्लाइसेस कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे इसमें चीनी। देखिए केसर का जो रंग है वो कितना खूबसूरत रंग आया है। ये जो जर्दा है ये बहुत पुरानी रेसिपी है, राजा महाराजाओं के टाइम पे यदि कोई भी बड़ा शाही भोज होता था तो ये रेसिपी ज़रूर बनाई जाती थी। और अब हम इसमें डालेंगे, या तो आप डाल सकते हैं फ्रेश क्रीम और कोकोनट क्रीम भी डाल सकते हैं, और मैं डाल रहा हूँ इसमें कोकोनट क्रीम। इसके बाद में इसका जो कलर और टेक्सचर है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तैयार है मेरा जर्दा। देखिए आप, बहुत क्रीमी टेक्सचर का बना है, लेकिन ये जब बाद में थोड़ी देर बाद में सर्व होता है तो ये बहुत ड्राई हो जाता है, इसलिए मैंने इसे क्रीमी रखा है। और अब हम करेंगे इसकी गार्निश, जो कि बादाम मैंने कतरन की थी। तो तैयार है मेरी शाही डिश जर्दा यानी मीठे चावल, जो बनाया है मैंने सैफ्रन के साथ में। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मीठे चावल जर्दा। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।